हेलो। यस सर, आफ्टरनून। गुड पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे रेले जीन्स फार्मूला। ठीक है, तो रेले जीन्स फार्मूला में कुछ कमियां थी जिसको प्लैंक ने दूर किया। रेले जीन्स फार्मूला हो गया या विंक्स फार्मूला हो गया, विंक्स फार्मूला जो था, इन दोनों फार्मूले में अलग अलग कमियां थी। एक तो फार्मूला जो विंक्स लॉ फार्मूला था उसमें कमी ये थी कि वो लोअर वेवलेंथ और लोअर टेम्परेचर के लिए वो एक्सपेरिमेंटली फिट हो रहा था। दूसरा कमी ये थी रेले जीन्स में, ये कमी थी कि ये हायर टेम्परेचर और हायर वेवलेंथ के लिए फिट हो रहा था। यानी इंटायर वेवलेंथ यानी जीरो से इनफाइनाइट वेवलेंथ के लिए एक्सपेरिमेंटल कोई कर्व लिया जाए तो उसके लिए ये फिटिंग नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल फिटिंग नहीं थी। एक्सपेरिमेंटली ये फिट नहीं हो रहा था तो इसको प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दिया और उस हाइपोथेसिस के आधार पर प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया। उस हाइपोथेसिस के आधार पर एक यूनिवर्सल फार्मूला इन्होंने बनाया जो लो वेवलेंथ के लिए भी और हाई वेवलेंथ के लिए, दोनों के लिए भी या फिर इंटायर वेवलेंथ के लिए वो सुटेबल। इनकी हाइपोथेसिस जो थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इमिशन कैसे होता है, इसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट तो दिया ही। उसके साथ साथ इन्होंने एक फार्मूला जो सुझाव दिया वो एक्सपेरिमेंटली फिट हो रहा था, कर्व के थ्रू एक्सपेरिमेंटली फिट हो रहा था, यानी जो ओरिजिनल किसी मटेरियल की या किसी ब्लैक बॉडी के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में ला। और नया यहाँ से इस हाइपोथेसिस को देखा जाए तो इस हाइपोथेसिस के आधार पर नए फिजिक्स का बर्थ भी होता है, जन्म होता है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ से हाइपोथेसिस इन्होंने दिया और क्वांटा का हाइपोथेसिस इन्होंने दिया। क्वांटा मीन्स इन्होंने क्वांटा का कॉन्सेप्ट दिया। क्वांटा इसी को इन्होंने कहा किसी का बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी है या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी कहिए या पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहिए। ये दो उन्होंने दो हाइपोथेसिस दिया। दो हाइपोथेसिस में एक हाइपोथेसिस इनकी ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है या एब्जॉर्ब हो रही है या रेडिएट हो रही है किसी ब्लैक बॉडी से, ये ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या इमिट हो रहा है वो एज ए ऑसिलेटर काम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एज ए ऑसिलेटर, और ये ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, इसके साथ एनर्जी जो है एज ए ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में स्पेस को ऑसिलेट करता है और ऑसिलेट देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपने कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो इन्होंने एवरेज एनर्जी निकालने का प्रयास किया कि ये ऑसिलेटर्स जो है उस ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी है।
एवरेज एनर्जी निकाला, पहले तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाला, फिर उसके बाद से एनर्जी निकाला और एनर्जी में नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दिया तो एवरेज एनर्जी निकला, ठीक है ना। एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर निकाला है, ईच ऑसिलेटर कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी उन्होंने निकालने का प्रयास किया और उन्होंने देखने का प्रयास किया वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला दिया, फिर वही एनर्जी डेंसिटी फार्मूला इन्होंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया और इन्होंने देखा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से ये फिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे विश्व में कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये स्वीकार किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, यही से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ यहाँ से, क्वांटा और क्वांटम से इसमें मैकेनिक्स जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर ये मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए इस एनर्जी इस चैप्टर का नाम ही रखा गया इस फिजिक्स के ये चैप्टर का नाम ही रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो पहला इनका कॉन्सेप्ट था, दो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो वेव्स रेडिएशन है वो क्या है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर्स है और ये ऑसिलेटर जो है एटम जो है या मॉलिक्यूल कह सकते हैं ब्लैक बॉडी का एटम या मॉलिक्यूल्स है, ये ऑसिलेटर काम कर रहा है। ये जो एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, नॉट कंटीन्यूअस। ये एनर्जी जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मींस एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, ऐसे यानी एक एक क्वांटा, दो क्वांटा, ये डिस्क्रीट है। और ईच एनर्जी जो है ई, ई जो है एन इंटीग्रल ऑफ एच न्यू होगा, यानी एच न्यू होगा जहां एन क्या है, एन इक्वल टू 0 से लेकर 1, 2, 3 हम सो आर एन नंबर ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर 0 से एन तक इन्वॉल्व है, यानी कोई ग्राउंड स्टेट में एटम है इस तरह के पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड बंडल ऑफ एनर्जी एच न्यू और 2H न्यू के बीच में कोई दूसरी एनर्जी स्टेट नहीं होगी। H न्यू और 2H न्यू के बीच या 2H न्यू और 3H न्यू के बीच कोई दूसरी एनर्जी स्टेट नहीं होगी, केवल डिस्क्रीट में होगा, यानी ये एनर्जी स्टेट जो होगा और इसकी एनर्जी जो होगी वो डिस्क्रीट होगी। एटम्स या मॉलिक्यूल को एज ए ऑसिलेटर इन्होंने कहा कि एज ए ऑसिलेटर ये ऑसिलेट कर रहा है और उसके आधार पर जो ऑसिलेट जो कर रहा है उसके आधार पर उसने एनर्जी कैलकुलेट किया और कहा कि ये क्वांटा जो है इसकी एनर्जी जो होगी पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये क्या होगी, एच न्यू होगी या एन एच न्यू होगी, एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किस एनर्जी स्टेट पर कितना एनर्जी होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने फाइनली एन ऑसिलेटर है ओनली डिस्क्रीट इनर्जी
और e इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, यानी e इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। और जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एच जो क्या है, टाइम कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसमें कहां एक एटम है, क्या है, एक क्वांटम नंबर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, एच जो है ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि कोई भी एनर्जी स्टेट है इसको फोटॉन भी कहा गया, यही क्या है, यही क्वांटा या पैकेट सप्लाई कहा गया कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो हो गया वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो फोटॉन के रूप में एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फोटॉन के रूप में एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है ना। और इच फोटॉन एनर्जी जो होगा क्या होगा, एच न्यू होगा, एच न्यू, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेटर। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि यदि एनर्जी इमिट कर रहा है, इसका मतलब फोटॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो एन ऑसिलेटर इमिट एनर्जी फ्रॉम गोस फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन इट्स इन अ गिवन एनर्जी स्टेट। यानी कहा क्या कि किसी भी एनर्जी स्टेट में यदि एटम है तो वहां कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी स्टेट, ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन ए गिवन एनर्जी स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन या फोटॉन का एग्जिस्ट इन दिस दैट एनर्जी, जिस एनर्जी स्टेट में फोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है यदि वहां से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है या लोअर एनर्जी अपर एनर्जी स्टेट में नहीं जा रहा है तो कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगा, और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स
कि एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो वो प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज का होता है और एब्जॉर्प्शन का होता है। यदि एनर्जी इमिट किया है इसका मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वो जंप किया है, और एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इट मींस कि लोअर एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, पहुंचा। ठीक है, तो यहां से दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑसिलेटर जो है उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। किस रूप में होगी? ये फोटॉन है तो फोटॉन एनर्जी एन एच हो सकता है, एन जो है क्या है कर सकते हैं इंटीजर है, या कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर है। ये क्वांटम नंबर क्या है? ये क्वांटम नंबर जो है एनर्जी स्टेट को बताता है, वन यानी एन इक्वल टू जीरो से लेकर नंबर जितना भी आप ले सकते हैं, एन एनर्जी स्टेट तक ले सकते हैं। ठीक है, और ईच ऑसिलेटर अब क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, फोर एच न्यू, उसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टेट है ये क्या होगा। अब इसके बीच में एनर्जी कोई नहीं है, इसके बीच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मीन्स कि देयर इज नो एनर्जी लेवल बिटवीन द टू एच न्यू एंड वन एच न्यू। अब ये तो प्लैंक हाइपोथेसिस हो गया। प्लैंक हाइपोथेसिस में दो हाइपोथेसिस था, एक तो इनका मानना था कि एटम जो है एज ए ऑसिलेटर काम करता है, एज ए ऑसिलेटर इसको लिया जा सकता है और इसकी एनर्जी बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इसको काम कहेंगे। ये डिस्क्रीट होता है, कंटीन्यूअस एनर्जी स्टेट नहीं होती है। ये एनर्जी स्टेट एन एच न्यू के रिस्पेक्ट में होगा, यानी जीरो एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, फोर एच न्यू या अंशो वन एन एच न्यू। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं भी इमिशन हो रहा है, इट मीन्स कि फोटॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करें। यदि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप किया है, इट मींस कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन का प्रोसेस मैंने बताया। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो फ्रीक्वेंसी जितना ही ज्यादा होगा, यानी ऑसिलेशन जितना ही ज्यादा होगा, उसका फिर कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी जितना ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी जितना ही हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होगा, उसकी एनर्जी उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब प्लैंक रेडिएशन फार्मूला के जांच देखें, तो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर एटम, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम। मैक्सवेल ने ये बताया कि किसी भी एनर्जी स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ये प्लैंक रेडिएशन फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया प्लैंक ने। प्लैंक ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम का कॉन्सेप्ट यूज किया। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, इसके आधार पर हम किसी भी एनर्जी स्टेट में मान एनर्जी नंबर ऑफ एटम n है, n इक्वल टू लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम n एंड नॉट एक्सपोनेंशियल h u अपॉन k, जहां k क्या है? मैक्सिमम कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। न्यू क्या है? न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। और
एच क्या है, जो है ग्रैंड कांस्टेंट है, ग्रैंड कांस्टेंट, ग्रैंड कांस्टेंट है, तो यानी इसके रहा पति क्या है, पी क्या है, टेंपरेचर है, टेंपरेचर, टेंपरेचर है, तो सिनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम, ठीक है ना, इसके आधार पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम के आधार पर एटम ऑफ एनर्जी एंड ऑसिलेटर को भी कर सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग किसी भी एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, यहाँ मैक्सवेल के रिलेशन के आधार पर यहाँ हम लोग डायरेक्टली नोट करेंगे। मान लिया जाए कि बहुत से एनर्जी स्टेट्स हैं, कोई एटम है, बहुत से एनर्जी स्टेट हैं, उस एटम में बहुत से एनर्जी स्टेट्स हैं, मटेरियल है, उसमें बहुत ब्लैक बॉडी मटेरियल ले लेते हैं, बहुत से एनर्जी स्टेट हैं। मान लिया जाए N1, 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 N2, and so on, N, N एनर्जी स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स एनर्जी स्टेट में है, तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी और इसके कोरिस्पोंडिंग ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स ये नंबर ऑफ एटम्स है। अब जा सकते हैं इसके आधार पर टोटल नंबर ऑफ एटम निकाला जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम मान लो जैसे एन जो है, एन एन कितना हो जाएगा, एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री और सो ऑन। मान लिया जाए कि आर ये आर है, आर मान लो एन आर तक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, एन आर, ठीक है, एन आर, ये नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर और एटम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स या एटम्स निकल आए, ठीक है। अब जा सकते हैं ये वैल्यू जो है, ये ज्यादा सारे वैल्यू जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के आधार पर ले सकते हैं। यदि एन1 के लिए लेना होगा तो एन1 ये क्या हो जाएगा, 1h हो जाएगा, इसी तरह से 2 ले लें तो एन2 ये क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, इसी तरह से एन3 ले ये क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा, ऐसे ही इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इन्होंने एवरेज एनर्जी निकाला, एवरेज एनर्जी के लिए इन्होंने एफ साइन एवरेज लिया, इन्होंने कहा कि ये एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लें, यहाँ से एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकाला जा सकता है। इन्होंने एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकाला, पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाला, फिर एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकाला, इन दोनों को निकालने के बाद इनके डिवाइड करके उन्होंने एवरेज एनर्जी निकाला, एवरेज एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर निकालने का प्रयास किया और इसके आधार पर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम लोग पहले जीन्स लॉ में देखे थे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स
और यहाँ एवरेज एनर्जी मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला मिल जाएगा। और फाइनली प्लैंक रेडिएशन फार्मूला वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया जाए, सबको जोड़ दिया गया, सबको जोड़ दिया गया तो फिर सबको जोड़ दे और उसको जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा डाउन स्टेट में, ये जीरो हो गया। फिर इसमें जैसे देखिए n1 के लिए n1 एक्सपोनेंशियल h u अपॉन k होता है, इसको ऊपर ले रहे हैं यानी देखें n इक्वल टू m नॉट है प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 और इसे और nr टोटल नंबर ऑफ एटम जो है कि हम कहते हैं nr होता है nr एनर्जी स्टेट सेल्स में। तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो एक का हो जाएगा n नॉट डाउन स्टेट की एनर्जी स्टेट n नॉट एक्सपोनेंशियल एच मू अपॉन के टी, एच मू अपॉन के टी प्लस ये क्या हो जाएगा एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू एच मू अपॉन के टी, ये क्या हो जाएगा एन नॉट एक्सपोनेंशियल बी एच मू अपॉन के टी अपॉन के टी पांच सौ आम सबको जोड़ने से पहले इसमें नॉट कॉमन है सब, ये जीरो एक जीरो सब ले रहे हैं, इसलिए क्या है एन नॉट कॉमन है, एन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एच मू अपॉन के टी प्लस ठीक है। पर जैसे कि यहाँ x equal to h mu upon kT है exponential h mu upon kT है, ये equation change हो जाएगा, ये equation ऐसे लिख सकते हैं यानी n equal to लिख सकते हैं n not, ये क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा 2x x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x क्यूब हो जाएगा प्लस x क्यूब हो जाएगा और कॉमन x पावर r हो जाएगा। अब जस्ट देखते हैं किस तरह का सीरीज है, इस तरह के सीरीज का समेशन क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस x, जिस तरह के सीरीज का समेशन जो होगा 1 अपॉन 1 माइनस x होगा, इसके आधार पर ये सॉल्यूशन यदि लिया जाए, ये सॉल्यूशन में कंसीडर करें यानी जहां हम कह सकते हैं कि 1 plus x plus x square plus x plus 1 x r equal to 1 upon 1 minus x, ठीक है। इसके आधार पर इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, यानी m नॉट 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, जहां x इक्वल टू ये है वैल्यू इसको पुट कर दें तो फाइनली क्या हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस x एक्सपोनेंशियल h अपॉन 2, इतना हो जाएगा
अब जैसे देखें ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल आया, उसी तरह से टोटल एनर्जी निकल आएगा। टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स पता है और उसकी एनर्जी पता है, उसको सबसे मल्टीप्लाई करके सबको देखते चले जाएंगे तो टोटल या टोटल एनर्जी निकल आएगा। अब ऑसिलेटर्स की जितने ऑसिलेटर्स हैं टोटल एनर्जी निकल, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत पड़ेगी। इधर कहीं नोट करते रहेंगे n equal to n naught exponential 1 minus h nu upon kT, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? एवरेज एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय n, ये एवरेज एनर्जी निकालना है, ये n की आवश्यकता पड़ेगी। अभी भी हम लोग निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर निकल आएगा और प्लैंक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी जब निकल आएगी तो वहां से हम लोग प्लैंक रेडिएशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे देखें करना क्या है, इसमें टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी क्या है जीरो होगी, लोअर एनर्जी स्टेट फर्स्ट एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू होगी। सेकंड एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी होगी,